बटलर जब से केएल राहुल से मिल के आया है तब से इसका फॉर्म को पता नहीं क्या हो गया। बीच में थोड़ा रन बना भी था लेकिन फिर उसके बाद बैटरिया इसका लूल हो गया। अब अगले साल चार्ज करके आएगा। भाई ने इस साल 5 डक मारे हैं। 2016 से 2022 तक भाई ने सिर्फ 1 डक मारा और सिर्फ 2023 में 5 डक मार दिए। डक मारा मतलब साले डक को तीर से नहीं मारा, 0 पे आउट हुआ था। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। साला यहाँ दिल मत चल रहा है कि कौन कौन टीम क्वालिफाई करेगा और यहाँ पता लग रहा है कि कौन कौन टीम एलिमिनेट होते जा रहा है। चलो कोई नहीं, अब 2 दिन में वैसे भी पता लग ही जाएगा, पर इंतजार नहीं हो रहा है। और बोल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। पता नहीं सैम करण भाई कौन सा गांजा फूक के आ रहा है या फिर उसका कौन माइंड वॉश कर रहा है, केरला स्टोरी जैसा बोल रहा है कि जब टीम हमको इतना महंगा लिया है तो हमको भी फर्ज बनता है कि हम उसको वापस लौटाएं कुछ महंगा, तो हम बॉलिंग महंगा उसको लौटा रहे हैं। अच्छा, गद्दारी कर दे। हम ऐसा नहीं है कि किसी के साथ गद्दारी करेंगे, जितना महंगा हमको मिला है उतना महंगा हम देंगे। आप पूछ लीजिए अगर कोई ना खुश हो तो हमारे टीममेट से, कप्तान से, प्रीति से। कोई डिसएग्री नहीं करेगा हमको बात से, सब एग्री कर रहा है। बैटिंग में भले हम महंगा ना कर सके लेकिन बॉलिंग तो हम महंगा करेंगे ना भाई, जो हो रहा हो तो हम कम से कम करके देंगे आपको। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। बाकी आज भाई 2 मैच है, 2 मैच में देखते हैं कि आज कौन कौन जीतता है। आज अगर CSK जीतता है तो भाई एकदम मजा ही आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अगर बताना कि कौन कौन टीम आपको हिसाब से क्वालिफाई कर देगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।